गांव ठोड़ा में बच्चों के मामले पर नौनारी बिरादरी के दो ग्रुप में झगड़ा, फायरिंग, जिसके बाद 23 साल नौजवान एजाज नौनारी गोलियां लगने से जहां बहक हो गया। एक खातून फौजिया नौनारी शदीद जख्मी, जहां बहक होने वाले एजाज नौनारी की लाश और जख्मी खातून मसम्मात फौजिया नौनारी को मुतालिका अस्पताल में हड़ मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जहां बहक होने वाले नौजवान एजाज नौनारी की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई और जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद देकर तश्वीशनाक हालत में लाड़काना मुंतकिल किया गया है। आखिरी इतला तक वाकये का कोई मुकदमा मेहर 20 सेक्शन थाने पर दर्ज नहीं हो सका, जबकि वाकये में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वाकये के बाद इलाके में खौफ की लहर छा गई। वाकये में मुलविस अफराद ने अपने घर खाली करके फरार हो गए हैं। रिपोर्टर मोहम्मद अली शेख, पावर प्लस न्यूज़, मेहर।